कम टन काम करा आप कर ले तो हाँ नहीं करा तो खामा कहाँ ही भाजी मजबूरी में करना पड़े और मतलब यही काम है कम ठाने का ही। हाँ। तो ये तो बाद में गर्मी में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन पालता है जुगिया में रमता रहता है मकान होना चाहिए भाई जैसे अब आप ये कच्चे मकान है देखो कच्चे सुले रहते हम गाल के बैठे यहाँ पे अच्छा तो मतलब अब कच्चे मकान है तो कच्चे मकान में ऐसा नहीं लगता भाई अपने पक्के मकान होने चाहिए हम भी पक्के मकान में रहेंगे सही बात है वो तो पक्का मकान लावा कटू पैसा लावा नहीं पानी नहीं फोड़ा पड़े जो मकान कटू बनावा अच्छा तो मतलब आपको पढ़ाई तो कराई होगी पढ़ाई भी नहीं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी कम पर जमा कटू पड़े आप भी कम ठाना करते हो तो बस मुझे करना पड़े मैं क्या कहूँगी तो हाँ तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की और कम ठाने का काम करते हो तो बाद में आने वाले समय में मतलब बच्चे कैसे पालोगे हम क्या करा बच्चा पाड़ा कट पाड़ा हम कमाई 400 रुपए ले रहा आज सब कमाई पर जमा आज पढ़ाई कटू करा अच्छा जना और पानी भी आप ना माथे पे ऊंच के लाते हो चक्री ले रहा हूं तो और का करा कट ले रहा हूं पानी कुआ आवे तो बड़े गाट भरला अच्छा तो यहां से कितने किलोमीटर से लाते हो पानी आप पानी हम कितने देखो दूरी करते हैं ये को क्या लगते हैं आपके ये बहन है मेरी बहन है आपकी आ जाओ दादी जी आ जाओ इतनी दूर से दादी जी जो है पानी लेके आए हैं देखो मेहनत करनी पड़ती है दादी जी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ के गांव का संघर्ष है दोस्तों और देखो दादी जी जो है अभी वहाँ से आए हैं और अभी इस मटके में पानी डालेंगे और इनकी बेटी है देखिए ये सारा दे रही है इनको और ये अब जैसे पानी डालेंगे तो मतलब महिलाओं का भी जो है संघर्ष है वो कठिन है तो मुझे पता है हाँ लेकिन वो बोट का तो आप मजाक कर रहे हो सही बात है तो मतलब हालत वो थोड़ी खराब है ना हालत बुरी है और देखो गर्मियों में इतनी ये तो धोरे हैं और आप खाना बनाओगे खाना में रेता बहुत गिरा तो ये अब जैसे दोस्तों ये अब खाना यहाँ पे बनाए इन्होंने तो अब यहाँ आप खाना बनाओगे तो मतलब ये तो आंधी आएगा रेता गिर जाएगा अंदर रेता गिर जाएगा तो बाद में ये तो समस्या हो जाएगी आपकी समस्या बहुत है अच्छा बनने पैसे की इधर तो बड़ी परेशानी है और भाटों की ये इस तरह से ये है और भाई साहब बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं परेशानी है और देखते हैं बॉर्डर के जो गांव होते हैं बड़ी हालत ख़राब है और देखो ये पूरी मेहनत करते हैं लेकिन मतलब सरकारें जो है कोई व्यवस्था नहीं करती इनकी और पानी की व्यवस्था भी नहीं है देखो इनसे भी पूछते हैं कि पानी की कितनी व्यवस्था है यहाँ पर तो नमस्कार जी नमस्कार कैसे हो आप ठीक है तो मतलब मैं ये पूछ रहा था कि बॉर्डर के गांव में मतलब यही हालत है मतलब पानी पुणी की और व्यवस्था है नहीं बिल्कुल ही व्यवस्था है साठ की हाँ तो आप मजदूरी करते हो बस मजदूरी यहाँ से कितना किलोमीटर है पानी वाला दूर है यार देखो पेट्रोल पंप कहाँ पे दिख रहा है वो देखो इतनी दूर से आप लेके चले ले आते तो ले रहना पड़े बस किर पर ले तो रोजाना की इसका मतलब रोजाना का मतलब आप जैसे सदस्य कितने हो घर में सदस्य चार तो भाई है अच्छा वो तो भाई भतीजा कितना है तो इसमें मतलब नहीं करते मान लो भाई दस मटके चाहिए हाँ। कम से कम दस मटके चाहिए तो एक बात बताइए पानी पीने का है तो आप तो इसका मतलब महीने से एक एक महीने से नहाते होंगे आप नहाते तो हम क्या करा पानी दूर है नानो कट पाओ कट 9 बजे हाँ तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ। तो ये स्कूल ही नहीं जाते नहीं जाते और आपके वोट लगते हैं वोट देते हो आप नहीं नहीं उम्र कितनी है आपकी हमारी उम्र है लगभग 20 साल है तो अभी आपके वोट लगने चाहिए तो वोट देते हो तो सरकार सरपंच साहब को आना चाहिए वोट रोड पर काकरा फोड़ा बट वोट नाका में है नहीं नहीं मतलब सरपंच को जीतने वाला वोट वोट मतलब खाने के अंदर आप मिट्टी भी खानी पड़ती है मिट्टी खानी पड़े हम कट जावा तो दोस्तों एक चीज देखो मतलब इतनी परेशानी होने के बाद भी इनके मुंह पर हंसी है क्योंकि अब वो परेशानी है झेल झेल के अब हंसी के सिवा इनके पास क्यों कुछ नहीं रहा यही बात है तो क्योंकि अब सहन करना पड़ता है इलाज नहीं है जावे कहाँ जाएं सही बात है तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करके और सरकार तक पहुंचाओ और हेल्प होनी चाहिए और इस तरह से देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और मतलब ये कंडीशन है और ये धोरे के ऊपर है देखो ये बॉर्डर के समीप गाँव है और ये बिल्कुल घास फूस के हैं देखो लोग कहते हैं कि कच्चे हैं ये कच्चे भी नहीं ये घास फूस के हैं अब देखो यहाँ पे इनके इस तरह से रहने का है ये अब यहाँ पे ये मटकों में पानी खाली पड़ा है बताओ ये लो ये खाली है अब ये मटके ये क्या चीज़ बना रखा है आपने डागली है
अच्छा भटका रखने के लिए। तो इतना ऊंचा कैसे बनाया? अब ऊंचा बच्चा नाश कर देता पानी। अच्छा अच्छा, तो अब आप रोटी यहीं बनाओगे? हाँ यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए ये रोटी भी यहीं बनाएंगे और सामने वो अभी तैयार कर रहे हैं क्या छपरा? बाप कोई नहीं, मेरे भैया रहते हैं, वो काम पर गए हैं, कम टाइप काम पर गया। अच्छा आपके वो भाई वहाँ पे ना रहे हैं क्या? अलग है वो, उनकी शादी कर दी? शादी कर दी है, बच्चा भी उसका ही है। तुम तो ये जा रहे के दौर में। अच्छा वहाँ सामने वो खुले में जाते हो आप हैं? तो मोदी जी कहते हैं कि घर घर शौचालय होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता है? तो शौचालय आप सरकार करे, कौन शौचालय तो कोई घर में शक्ल ही नहीं देखी, स्कूल कैसी होती है? क्या बोल रहे थे आप? स्कूल की कभी शक्ल ही नहीं देखी, कैसी होती है स्कूल? हाँ दोरा में बड़ बड़ मोटा है, कम टाइम काम करके छोटे छोटे काम पर जाना पड़ता है। हाँ सही बात है। देखो ये बहन जी के इन्होंने बोल दिया कि मतलब स्कूल भी नहीं देखी हमने, हमने तो बस सीधा मतलब सीधा कमठाने पे जाते। तो कितनी उम्र में आप कमठाने में चले गए थे? लगभग 12-13 साल में। 12-13 साल में? तो मतलब देखो 12-13 साल में इन कमठाने में चले गए। और ये देखो बिल्कुल कच्चे हैं मकान, देखिए। तो वो भाई साहब वहाँ बैठे हैं और बिल्कुल कच्चे मकान है, देखो सामने में जूम करके बताऊँ, ये सारे के सारे कच्चे मकान है, सरकार कोई हेल्प नहीं। तो ये बड़ी परेशानी है, युवा बैठे हैं सामने और यहाँ पे इनका छोटा सा मकान है। और ये देखो कुटिया है, अब इस कुटिया के अंदर अगर तूफान आ जाए ना तो ये तो उड़ जाएगी अभी है। और ये भाई साहब बैठे हैं और ये एक छोटा सा मकान है और यहीं सोते हो आप रात को? तो मतलब आप मजदूरी करते हो, सरकार कोई हेल्प नहीं करती है? सरकार बैठी है कौन में तेल गालने, कोई हेल्प करे? गरीब गुरबारी कोई हेल्प करे कौन? कोई नहीं, मारे कोई आईडी पूरा बनवाड़े नहीं, कोई पानी साझता करे, पानी मोल गिरार पियो। अच्छा तो और सरकार ने पता कहीं क्या, बोट टाइम में सरकार आवेगा, बोट मने दो मने दो। अच्छा बोट यही लगते हैं आपके? बोट यही लगते हैं, लेकिन व्यवस्था साझता हो नहीं, कुछ नहीं है। हाँ तो मतलब करा बे, गरीब आदमी हो, गरीब मेरी कोई साझता को नहीं। हाँ सरकार माँ बाप करता हो तो गरीब और बस बिल्कुल आंदा ही मारा आदमी है। आप पिताजी आंदा है? कितना साल हूँ? 20 साल। अच्छा हमारे तो बहुत परेशानी है। कितना बच्चा है आप रहे? बच्चा तो गणी पांच है। पांच है बच्चे कितनी है? बच्चिया दो है, एक आए। अच्छा एक आ बच्ची है, एक वा है। अच्छा बनने तो मतलब थे फार्म धर्म भरो कौन? फार्म है तो भाई सरकारी फार्म भरो, पंचायत पैसा वगैरह मिले कौन? वो मिले नहीं, कोई हमारी पेंशन ही नहीं है। पेंशन कौन? गरीब लोग अनपढ़ तो हाँ, अनपढ़ारी कोई कोई सुनाई करे कौन नहीं? अनपढ़ारी कोई सुनाई करी कौन नहीं? मैं गरीब ऐसे ही रह गया। अच्छा तो मतलब यानी एक बात बताओ दादी जी, अब जी मान लो थाने इतनी उम्र आ गई। हाँ। तो अब देखो धीरे धीरे उम्र आवे जना, ये तो मतलब नीचे हूँ ये ठेठ बड़ी बोबट हूँ, पानी ले रहो। हाँ। टोकना टोकना पानी ले रहो, तो बड़ो कठिन है। कहीं करो बेटा, अबे पेट में पिया नहीं तो मरा भूखा मरता। हाँ नहीं पिया तो मरा, बूढ़े ने नहीं पावा तो मरा। अबे मारे बूढ़िया बूढ़ी कोई पाने वालों है को नहीं, तो मैंने ला मारे बूढ़िया ने फोनी पाना पड़े। बिल्कुल 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 एक नहीं है। बिल्कुल कोई सरकार मास फोनी सहायता कर दे तुम्हारी भलाई है। बिल्कुल जय बोलना तो। हाँ जी हाँ जी, भाई सरकार मारी माँ बाप तो जय बोलनी है माने। बिल्कुल बिल्कुल एक नहीं है। तो गरीब आदमी तो गरीब ही हुए। बिल्कुल वैसा नहीं, मारे जमीन नहीं मारे कोई जगह नहीं, तो मजदूरी कर फूंगल रे में 300 रुपया लान ऑटो लान आने का यही है बस। यही मतलब सब लोग ना लेते हैं, महिलाएं वहिलाएं सब जो भी है तो ये ना लेते हैं और ये इनके वो इसके ऊपर रखते हैं। तो हालत जो है ना वो बड़ी ख़राब है दोस्तों। तो ये झोंपड़े हैं, मतलब सीधे ही झोंपड़े ही हैं, अभी ये झोंपड़े के अंदर ही रहते हैं ये। इसके अंदर देखो ये सीधा झोंपड़ा है, देख लो अभी ये झोंपड़े के अंदर ये दहेज है। ये सामान कौन है, क्या है, क्या मैटर है ये? अच्छा बार बांध रखो ये तो बढ़िया है आपने, मतलब ये अंदर तो बढ़िया 5 स्टार बना रखी है इसको, तो आंधी में उड़ जाते 5 स्टार बनानी पड़े तो बाद में। अच्छा ये ऊपर से बांध रखा है पूरा। अच्छा तो ये पिलंग तो ये तो काफी महंगा है, तो ये टूट फूट हो गया। अच्छा बाहर कमरे ये बाहर बंद रखा है इधर से ये। अच्छा ये बांध दिया आपने, तो ये रोटी आप यहाँ बनाते हो इसमें? तो ये क्या कर रहे हो मुन्ना, ये हाथ में क्या है, रोटी है? अच्छा ये रोटी खा के कर लेंगे है ना। तो ये मंदिर किसका है? सच्चे माता का है। तो इस प्रकार से ये है,
तो देखा आपने इस प्रकार से ये विलेज लाइफ एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं काफी दिनों से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।